सोच जी लो। आप पंख लगा ले रे। कई बार कामयाबी के रास्ते में अनजाने में अपने ही रुकावट बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पवन वर्मा के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, पर पवन के सर पर तो एक अलग ही जुनून सवार था। जुनून आत्मनिर्भर बनने का, खुद को और खुद से जुड़े लोगों के अंदर आत्मनिर्भरता की चेतना जगाने का, और पवन के जीवन को इन शब्दों ने सार्थक बनाया। जो डरते हैं डूबने से, कहां वो पार जाते हैं, लड़ेंगे कैसे दुनिया से जो खुद से हार जाते हैं। जो दिखता है नहीं, होता नहीं, उसी को डर तो कहते हैं, कि डर के डर से हम जीवन भर बस डरते रहते हैं। मनों का बोझ मन पे लेकर तुम कितनी दूर जाओगे, मुश्किलों गलतियों के बोझ तले बस दबते जाओगे। अब चिंता छोड़ दो, ये खोना पाना सृष्टि का क्रम है, बाकी सब झूठ है, बस सच कर्म है, परिश्रम है। नमस्कार, प्रणाम, मैं माधुरी दीक्षित स्वागत करती हूँ आपका मुथूट फाइनेंस सुनहरी सोच सीजन 2 में आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर बनने की सच्ची कहानियां। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश के पवन वर्मा की आत्मनिर्भर बनने की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। पवन वर्मा के जीवन में कोई कमी नहीं थी, जीवन में सुख भी था और संतोष भी, पर मन अशांत था। उत्तर प्रदेश में ही बाराबंकी के पास पवन का छोटा सा गांव जैसे पवन को बार बार पुकार रहा था। अपने गांव में अच्छे स्कूल और शिक्षा की कमी पवन ने हमेशा महसूस की थी। पवन जी के मन में आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा थी और अपने गांव के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने की जिद भी। पवन ने संकल्प लिया था कि वो अपने गांव में एक स्कूल बनाकर गांव के छोटे छोटे बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करेंगे। काम टेढ़ा था और रास्ता कठिन, लेकिन कहते हैं ना, यदि मन साफ हो और कोशिश ईमानदार तो पूरा संसार हमारे सपनों को साकार करने में जुट जाता है। पवन के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा था। काहे पड़े हो बेकार के झंझटों में, शहर में जमा जमाया काम है और तुम हो कि गांव की तरफ भागते रहते हो। भैया, घर पर आए दिन कहा सुनी होती है रश्मि से, हम सब गांव छोड़कर शहर में बसने लगे हैं, गांव वीरान हो रहे हैं। क्या हमारा अपने गांव अपनी मिट्टी के प्रति कोई फर्ज नहीं है? वहाँ भी बच्चे हैं, अच्छी शिक्षा के अवसर तो उन्हें भी चाहिए। देख छोटे, तेरा सपना तो सुनहरा है, पर इस सपने को जमीन पर उतारना बिना पूंजी के मुमकिन नहीं है। और फिर रश्मि भी गलत थोड़ी कह रही है, गांव को रोशन करने के चक्कर में अपने बसे बसाए घर में आग थोड़ी लगानी है। नहीं भैया, मुझे तो गांव में ही स्कूल खोलना है। आप देखना, घर भी रोशन होगा और गांव भी। इस स्कूल से गांव के नन्हे बच्चों में ज्ञान का दिया भी जलेगा। बस एक बार स्कूल बनवाने के लिए कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर ठीक है पवन, अगर तूने ठान ही लिया है तो चल, मैं बताता हूँ कि तेरे सपनों का सुनहरा रास्ता कहाँ से निकलेगा। और फिर पवन जी के बड़े भाई ने उन्हें रास्ता दिखाया मुथूट फाइनेंस का। पवन, जो स्कूल बनाने की जद्दोजहद में थे, उन्हें जान के हैरत हुई कि बाकी जगहों की तरह मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेने में ना बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई है और ना ही लंबी कतारें। बिना झंझट पवन को गोल्ड लोन कुछ ही मिनटों में मिल गया, और वो भी बेहद कम ब्याज दर पर। जब नियत अच्छी हो तो नतीजा भी अच्छा ही होता है। पवन ने शुरुआती दौर में एक प्राइमरी स्कूल बनवाया और स्कूल में पहले ही साल 280 विद्यार्थियों ने दाखिला भी ले लिया। पवन की इस सकारात्मकता का असर कहिए कि गांव और आसपास के लोग भी पवन के इस सपने से जुड़ते चले गए। लोगों ने पवन से स्कूल 12वीं कक्षा तक बढ़ाने का निवेदन किया। गौर कीजिए,
पवन के भाई ने उन्हें मुथूट फाइनेंस का रास्ता दिखाकर जीवन में आगे बढ़ने की ऐसी कुंजी दी थी जिसने हमेशा के लिए पवन की राह आसान बना दी थी। एक बार फिर पवन ने रुख किया अपने भरोसेमंद साथी मुथूट फाइनेंस की तरफ। ख्वाबों के पंख को हिम्मत का परवाज मिला। पवन जी के हौसले ने और मुथूट फाइनेंस के साथ से पवन जी का स्कूल 12वीं कक्षा तक बढ़ गया। पवन जी की इस सुनहरी सोच ने गांव में शिक्षा की ऐसी लौ जलाई कि आज की तारीख में सैकड़ों छात्रों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। पवन चाहते तो इसी पैसे से शहर में ही रहकर कोई और व्यापार आरंभ कर सकते थे, किंतु पवन के मन में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना थी। वो जानते थे कि स्कूल खोलना व्यापार नहीं बल्कि समाज और भारत के आने वाले भविष्य की सेवा है। इस प्रयास से न केवल पवन के आत्मनिर्भर बनने का सपना साकार हुआ बल्कि अपने इस नेक कार्य से पवन जी ने समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी काम किया। अब तो पवन जी की पत्नी भी उनके मजबूत इरादों का लोहा मान गई हैं। हम तो सोचते थे कि गांव में स्कूल खोलने की आपकी जिद कहीं हमें बर्बाद ना कर दे, पर सही में आपके इस नेक काम से कितने ही बच्चे आप ही की तरह आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सच बताएं हम तुम्हें, हम आज जो कुछ भी हैं माँ और तुम्हारी वजह से हैं। अगर माँ ने और तुमने हमें स्कूल खोलने के लिए आगे बढ़कर अपने जेवर न दिए होते तो मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेकर यूं स्कूल खोलने का संकल्प कभी पूरा नहीं होता। पवन जी समझदार हैं, भाई स्कूल का शुभारंभ करने में योगदान तो उनकी पत्नी और उनके बड़े भैया का भी था। आज देखिए पवन जी का स्कूल 12वीं के बड़े स्कूल में माना जाता है और तकरीबन 600 से ऊपर छात्रों का भविष्य उज्जवल बना रहे हैं पवन जी, प्रेरित कर रहे हैं उनको स्वयं की तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए। इन सभी 600 छात्रों के माता पिता भी पवन जी के प्रति आभारी हैं और उनकी सुनहरी सोच और मुथूट फाइनेंस का धन्यवाद करते थकते नहीं। अगर पवन वर्मा की तरह आप में भी यही जिद और जुनून है, कुछ करने की प्रबल इच्छा है, तो फिर देर मत कीजिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए। एक बात कहूँ, क्यों यूं ही पैसे के लिए परेशान होकर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं? कब से मैं कह रही हूँ, आज ही 5000 से ज्यादा शाखाओं में से अपने नजदीकी मुथूट फाइनेंस ब्रांच जाइए और गर्व से गोल्ड लोन लेकर लाइफ में आगे बढ़िए। या फिर हमारे टोल फ्री नंबर 1800-313-1212 पर आज ही कॉल कीजिए। अब मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन के साथ बनेगा हर घर आत्मनिर्भर। सुनहरी सोच जी लो। मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला है सुनहरी सोच। बिना हार माने सपने पूरा कर जाने का जज्बा है सुनहरी सोच। सपनों को सच में बदलने का इरादा है सुनहरी सोच। हर बाधा पार कर आत्मनिर्भर बन जाना है सुनहरी सोच। आ पंख लगा।